सर मेरे लिए ये एक मेरी थर्ड सिंगल है जो मैंने किया है. मैंने टी सीरीज़ के साथ मैं रहूँ या ना रहूँ किया है, चल वहाँ जाते किया है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं किया है. ये मेरा फोर्थ सिंगल है जो शान सर के साथ मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है. इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल गाना बनाया मैंने और बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स विराग साहब ने लिखे, तो बस होपफुली दिल को छुए सबके और गाना सक्सेसफुल हो. सब यही उम्मीद करते हैं जब एक चीज़ की जाती है. आई थिंक ग्रुप टीम एफर्ट है. आइडिया हमेशा भूषण जी से ही शुरू होता है. वो कहते हैं कि कुछ एक गाना बनाओ या कुछ करो, तो उनसे आइडिया शुरू होता है और मुझ पे और विराग सर से आगे बढ़ती है बात और डायरेक्टर और एक्टर्स उसे ख़त्म करते हैं. तो एक टीम एफर्ट है जहाँ सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया. म्यूज़िक में सर आप सबको पता है पहली पिक्चर और म्यूज़िक डायरेक्टर का ओहदा सलमान खान सर ने दिया और उनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता. तो जय हो जो मेरी पहली पिक्चर थी वो सलमान भाई ने मुझे दी. एंड उसके बाद मुझे सूरज डूबा है बनाने का मौका भूषण कुमार सर ने रॉय में दिया और वहाँ से कहानी आपने खुद ही देखी है, बहुत ही सक्सेसफुल रही है. और कोशिश ये है कि और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे गाने बनाऊँ. बस मेरे फैमिली में तो सब ही काफ़ी दिग्गज कंपोज़र है. अन्नू जी, मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर श्री सरदार मलिक, वो बहुत ही बड़े लेजेंड है. तो उनके अलावा मैं प्रीतम सर और रहमान सर को बहुत मानता हूँ और उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ. कौन सा इसका है? ठीक है. हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों. सर अभी महेंद्र सिंह धोनी जी के लाइफ पे जो पिक्चर है, MS धोनी, नीरज पांडे जी ने जो डायरेक्ट किया, वो मेरी फिल्म है. उसमें मेरे सारे गाने मेरे हैं. मेरी काफ़ी बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे करियर के लिए. तो एक वो है और एक है बार बार देखो, एक्सेल एंटरटेनमेंट की और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ है. बट दोनों ही फिल्म्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जब मैं फिल्म्स नहीं करता तो मैं म्यूज़िक वीडियोस में थोड़े गाने बना लेता हूँ. क्या फिल्मों में नजर आएंगे एक्टिंग करते? नहीं सर, ये तो मैं हिमेश जी को ही करने दूंगा. मैं नहीं कर सकता, ये उनको ही आता है. हमें नहीं आता ये सब. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ. बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े तादाद में ये लॉन्च हुआ है. भूषण जी का यहाँ मौजूद होना, अमाल, सारे हमारे रश्मि जो ने बहुत अच्छा इस गाने को लिखा है, हमारे पूरी कास्ट, हमारी डायरेक्टर साहिबा, सब एक छोटे से नोटिस पर सब यहाँ मौजूद हुए. और तो वाकई ऐसा आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल, फीलिंग वेरी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि इतना अच्छा लॉन्च हुआ. और ये गाना वाकई में कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल से एक फीलिंग आती है. तो इस गाने को सुनकर, जब भी मैं सुन रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं नहीं गाया, लेकिन फिर भी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आएगा. वीडियो बहुत खूबसूरत है. इस गाने की जो सोल है, इस गाने की जो एक इश्क, मोहब्बत, प्यार, अपनापन, चाहतों के बारे में जो इस गाने में एक फीलिंग जागती है, वो एक हमेशा दिल में रहने वाली फीलिंग है. तो ये गाना बहुत आगे जाएगा. मैं जानता हूँ कि आज सोसाइटी या यंगस्टर्स, उनको देयर इनटू दैट फास्ट म्यूज़िक और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी के तलाश में है. लेकिन इस गाने में वो बात है जो कहीं ना कहीं ऐसे मन में चुप जाएगी कि वो इंस्टेंट भी इफ़ेक्ट होगी और इफ़ेक्ट लंबे अरसे तक उनके दिलों तक रहेगी. जी. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत पुरानी ये बात याद छेड़ दी. अरे ये है जी सिनेमा, मूवीज, मस्ती, मैजिक, इस तरह का कुछ था. तो मेरा बिल्कुल सबसे पहला वो गाना और वीडियो भी था. और उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैंने बहुत पार्टी की थी रात भर, और सुबह आधी नींद में किसी भी हालत में वो वीडियो मैंने किया था. लेकिन आई थिंक आई वॉज़ वेरी यंग देन. उन दिनों में ऐसी चीज़ें कई बार किया था और
किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन अब ऑफकोर्स उम्र हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ही यूथ, वही एंथुजियाज़म, वही जोश, वही पैशन आज भी कहीं ना कहीं मुझ में है, और मैं चाहता हूँ कि वही यंग मैं हमेशा रहूँ. नहीं नहीं बिल्कुल, डेबू जी, डेबू मलिक जी के साथ मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, और उनमें से कई गाने अच्छे भी चले हैं, और वो हमेशा मुझे कहते थे कि मेरा जो बड़ा बेटा है पियानो कमाल बजा रहा है. और अरमान से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हुआ था जब अरमान हार्डली 10 साल के थे, और मैं एक शो होस्ट कर रहा था लिटिल चैम्स 2006 में, जब अमाल टॉप फोर में आए थे, और बहुत ही अच्छा उनकी आवाज़ की एक टेक्सचर, एक बहुत ही एक सादगी थी जो मुझे बहुत पसंद था. अमाल को मैंने तब सुना जब उनका एक गाना मैं गाया उनके लिए. अमाल तब सिर्फ 18 साल के थे, एंड आई थिंक दीज आर ऑल ओल्ड स्टोरीज दैट आर ऑल कमिंग बैक. बट उनके ऑफकोर्स अनु जी के लिए मैंने 50 से ज़्यादा गाने गाए हैं, और आशा करता हूँ आगे भी गाते रहूँगा उनके लिए. ही इज़ यू नो एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ. इतना लंबा करियर शायद ही किसी म्यूजिक डायरेक्टर का पूरे बॉलीवुड हिस्ट्री में रहा हो, एंड स्टिल रनिंग. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट अमाल इज टेकिंग द लेगेसी अहेड एंड मेकिंग हिज ओन मार्क, एंड ही इज़ अ टैलेंट दैट इज़ हियर टू स्टे. और कुछ वो कहते कि वो क्या पालने में पाँव नज़र आ जाते हैं, ऐसी कुछ थी कि यू कैन ऑलरेडी टेल दैट यू नो. मैं जब वो पहला ही गाना उनके लिए गाया था ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मुझे पता था कि you know he's fantastic and he's proved that from time to time. Sir, of 95 se mujhe koi struggle kabhi nahi karna pada, aur I think dekhiye kismat ki baat hoti hai ki vidya kai logon ke paas bahut hai seekhe sadhe, lekin success us tarah se nahi mil pati, aur kuch logon ko yun hi mil jati hai. Main unme se hu jinhe aise hi mil gayi success, aur मेहनत तो मैं अब कर रहा हूँ, अब मैं रोज़ उठकर रियाज़ कर रहा हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सक्सेस चाहिए, क्योंकि वो विद्या या वो कला छूट जाती है अगर उसे आप हमेशा की तरह उसे ना तराशें, तो कल तक आप जो थे वो आज अलग हो सकते हैं. तो अपने आप को हमेशा तैयार रखना, अपने आप को हमेशा यू नो जैसे मैंने कहा कि लेट द एज नॉट कैच अप एंड स्टे यूथफुल, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे गुड, स्टे पॉजिटिव. That's how I like to live life. 95 तो आपने मुझे मैं आपको बताऊं कि मैं 4 साल की उम्र से प्रोफेशनली गा रहा हूं, और तो उस हिसाब से मेरे 40 साल सिंगिंग करियर के होने आए हैं. सारे बचपन के सारे बिस्किट्स की एड्स हो, फिर ये जो ड्रिंक्स होती है ना दूध के साथ मिलाकर बच्चे पीते हैं, तो उसके गाने, अभी प्रोडक्ट्स के नाम नहीं ले सकते हैं, फिर बच्चों की साइकिलें, फिर टमाटो केचप, बहुत सारे एड्स किए बचपन में, और तब से गाते आ रहा हूँ. तुम हो तो लगता है मैं हूँ, ना हो तो लगता है क्यों हूँ. तुम हो तो उड़ता है मन ये, ना हो तो ठहरा सा है क्यों.